ये ऑपरेशन कक्ष है जो मॉड्यूलर ऑपरेशन कक्ष है, इसमें लेजर युक्त ओटी है, सब कुछ इसमें पेशेंट के इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमने सारे व्यवस्थाएं किया है। और आपको मैं पूरा दृश्य दिखा नहीं पाऊँगा, हाँ, क्योंकि ये वीडियो की अपनी लिमिटेशन होती है। ये हमारे पास ऑटोमेटिक टेबल है, इंडो विजन सिस्टम है, एनेस्थेसिया ट्रॉली है, कार्ल स्टोर्स के हाई उच्चतम गुणस्तर का कैमरा है हमारे पास, जो कि और एनेस्थेसिया और आपका स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए हमने कोई भी चीज़ में कमी नहीं छोड़ा है। और अत्यंत साफ़ सुथरा, ये आप देख सकते हैं ओटी का फ्लोर है, अभी थोड़ी देर पहले ऑपरेशन होकर चला गया, इसमें कोई गंदगी नहीं है। और केवल इतना ही नहीं कि ये एंटी बैक्टीरियल फ्लोरिंग भी है, यानी कि इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ हो नहीं सकता है, बैक्टीरिया इसको पेनेट्रेट नहीं कर सकता है, इस हिसाब से हमने इसको बनाया है। ये हमारे पास लेजर मशीन है जो थुलियम फाइबर लेजर, बिहार का प्रथम लेजर है, आज 2 साल हो गया, आज के डेट में भी ये बिहार का इकलौता ऐसा मशीन है जो कि इतने पावर का है, जो कॉन्वेंशनल लेजर से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जो कि मेरे अगले वीडियो में या कोई और वीडियो में देखिएगा, ये स्टोन कैसे तोड़ता है और ब्लैडर कैंसर यानी सारे बीमारियों का इलाज कैसे होता है। ये हमारे ओटी है और ओटी के लिए जो भी चाहिए, साइड एक्सट्रे, बेटाडीन और ऑटोक्लेप, सब सबकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। आइए, हम आपका सेवा करने के लिए तैयार हैं और एक बेहतरीन सेवा, बेहतरीन सेवा के साथ एक उच्च गुणस्तर का सेवा देना हमारा काम है। हम ऐसा नहीं सोचिएगा कि छोटे जगह में छोटे लेवल का काम होगा, मुझे लगता है इतनी अच्छी व्यवस्था बड़े बड़े शहरों में भी मुश्किल होता है जो हमने यहाँ किया हुआ है। आप आइए, सेंटर को देखिए और यहाँ का मरीज़ से मिलिए। हाँ, आज तक हमने लगभग प्रत्येक महीना 5 से 7 ब्लैडर कैंसर का ऑपरेशन करते हैं, किडनी कैंसर का ऑपरेशन करते हैं और सारे मरीज़ का स्थिति ठीक है। और जिस मरीज़ को आगे जैसे रेडिएशन हो गया या केमोथेरेपी हो गया, वो चलाने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम महावीर कैंसर संस्थान या बड़े संस्थान में भेजते हैं। वैसे मरीज़ बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर मरीज़ का यहीं इलाज हो जाता है। तो केवल ऑपरेशन कराने के लिए अभी आपको कोई बड़े शहरों में या बड़े जगह में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो काम हम यहाँ नहीं हो सकता है उसको हम साफ साफ बोल देते हैं कि आप बड़े जगह में करा लीजिएगा। ये है, ठीक है, धन्यवाद, मिलते रहेंगे। और आपको एक अद्वैत स्टोन लेजर यूरोलॉजी सेंटर का ओटी का एक छोटा सा भ्रमण हमने कराया, आप देख सकते हैं ये एंट्री गेट के बाद का ये हिस्सा है, ये जो संपूर्ण ओटी है देख सकते हैं, बहुत बड़ा 400 स्क्वायर फीट का ऑपरेशन थिएटर है जिसमें एसी लगा हुआ है, पैनलिंग किया हुआ है, ये नॉर्मल वॉल नहीं है जिसमें कि कोई बैक्टीरिया पेनेट्रेट करने की चांस नहीं है, इसलिए हमारे पास अभी तक इन्फेक्शन के केस बहुत ही कम है, क्योंकि नहीं है नहीं बोल सकते हैं, बहुत ही कम है, मिनिमम एंटीबायोटिक में, और घाव भी ठीक हो जाता है और पेशेंट का ऑपरेशन के बाद के कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं ऐसे में। तो गंदे ऑपरेशन थिएटर, स्टेरिलिटी का जो ध्यान नहीं देते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका ऑपरेशन तो हो जाता है मगर ऑपरेशन के बाद आपका घाव पकना, इन्फेक्शन होना और काफ़ी सारे दिक्कत होने की संभावना होती है, जिस परेशानी से आप बच सकते हैं। और ये है हमारा ओटी, और ये ओटी का मेन एंट्री हो गया, और ये हमारा वॉशिंग एरिया है जिसमें प्रॉपरली हैंड वॉशिंग होता है नॉन टच टेक्निक के द्वारा, और ये हम लोग ऑपरेशन के बाद ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यानी कि औजार को इधर लाके साफ करते हैं। ये है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और अगले वीडियो देखते रहिए। आपके आसपास में कोई भी किडनी के बीमारी होंगे, किडनी के रोगी होंगे, या किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट की दिक्कत के कारण पेशाब रोकना या एवं पेशाब मार्ग, मूत्र मार्ग में सिकुड़न, ये सारे चीज़ का बड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है, आप आ जाइए और एक बार डॉक्टर DP तिवारी से अवश्य मिलिएगा। अपने शहर में एम्स, न्यू दिल्ली के पूर्व यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर DP तिवारी जो अवेलेबल हैं, और आप मिल के अपना फ़ायदा ले सकते हैं। धन्यवाद।